लोकेश, लोकेश बाहर निकल, साले कच्चा चोर, बाहर निकल तू। अरे मुकेश चला जा, मैंने तेरा कोई कच्चा नहीं चुराया है। साले तू नहीं चुराया है। हाँ भाई, किसने कॉल करी थी सर नंबर पे? सर मैंने की थी कॉल, सर चोरी हुई है चोरी। लोकेश भागने की कोशिश भी मत करियो, क्योंकि पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया बेटे। बस साले तूने पुलिस बुलवा ली? हमारा डायलॉग हमारे सामने बोल रहा है, लट खाएगा क्या? सॉरी सर। हाँ भाई। अरे नहीं 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 सर, ये झूठ बोल रहा है सर। पहले नीचे आके बात कर। नीचे आ जल्दी। कानून गवाह और सबूत मांगता है सर, देख क्या रहे हो? डाल दो इसे सलाखों के पीछे, कर दो इसका मार मार के पिछवाड़ा लाल, उखाड़ फेंको इसके काले काले बाल, मारो सर इसको। अरे सनी देओल, बस मामला बता पहले। सर मामला बताते ही तो आप हिल जाओगे। इसने सर मेरा कच्चा चोरी किया है। कच्चा? और बेटा लोकेश तू तो गया, तुझ पे 378, 420 दोनों धाराएं लगेंगी बेटे। लगवा उधार है। अबे इतनी सी बात के लिए तूने 100 नंबर डायल कर दिया? अरे भाई तो सर इतनी सी बात, सर आपको इतनी सी बात लग रही है? मर्द की जरूरत होता है कच्चा, आराम का मामला होता है कच्चा, एक आदमी की इज्जत की रक्षा करने वाला शस्त्र होता है कच्चा, और इस आदमी ने वो मेरा शस्त्र चुराकर मेरी इज्जत लूटी है सर। अरे कौन सी इज्जत, इज्जत है भी तेरी और मैं तेरा कच्चा को चुराऊंगा? क्योंकि तू जलता है मेरे से लोकेश। सर ये देखो मेरा इसका घर आमने सामने, मेरी बीबी ने तार पे डाला था। अबे किसकी बीबी ने, किसके तार पे क्या डाला था? अरे सर मेरी बीबी ने तार पे डाला था मेरा कच्चा सूखने के लिए, जो इसने चुरा लिया। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे छेदी लाल, जो तेरे छेद वाले कच्चे चुराऊंगा मैं। देखो सर, देख लो आप, मिल गया सबूत। इसे कैसे पता कि मेरे कच्चे में छेद था? पूछ लो आप, पूछो आप। हाँ भाई तुझे कैसे पता? अरे सर मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को पता है ये छेद वाला कच्चा पहनता है। तेरे पास और कोई सबूत है तो बात कर। हाँ भाई बता, है कोई सबूत? हाँ मेरे भूरे रंग का माचो का कच्चा है, अभी पता लग जाएगा, तलाशी लो आप। आप रहने दो, मैं जा रहा हूँ। देख यार। अरे अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? चोर आपके सामने खड़ा है, आप तलाशी लेने अंदर जा रहे हो? सर मुझे पक्का यकीन है इस आदमी ने मेरा कच्चा पहन रखा है, आप इसकी तलाशी लो ना। गौरी पैंट खोल यार। अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, सुबह सुबह पैंट खुलवाऊं? खोल ले यार पैंट, आए हैं तो कैसी ड्यूटी सर, मुझे नहीं करनी ड्यूटी यार। पैंट खोल के देख ले, क्या पता कच्चा उसी के पास हुआ। ठीक है सर मैं तलाशी लेने को तैयार हूँ। अरे सांच को आज कैसी, लेकिन मुझसे पहले ना इस आदमी की तलाशी लो, हो सकता है तौलिया के नीचे एक अच्छा पहन के खड़ा हो और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा हो। बात तो यार तेरी भी सही है। गौरी तौलिया खोल इसकी। कैसी बात कर रही, तौलिया खोलने जाऊं? अरे तौलिया खोल के देख ले, पता लग जाएगा, क्या पता उसका कच्चा उसी के पास हो। अरे कुछ ना हुआ तो? अरे यार एक बार देख तो जाके। ओ सर क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हैं आप, मैं तौलिया खोल के कुछ भी दिखाने वाला नहीं हूं सर, कुछ भी नहीं दिखाऊंगा मैं। ऐसे कैसे नहीं दिखाएगा तू, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, तौलिया तो तुझे खुलवानी होगी। गौरी इसकी तौलिया तू खोलेगा या मैं खोलूं? ठीक है। अरे नहीं नहीं सर, सर क्यों चेक करना है, इतनी सी तो बात है, बात खत्म करते ना सर, कच्चा ही तो है दूसरा ले। अरे क्या हो गया, पुलिस क्यों आई है? अरे होगा क्या मालती जी, आपके पति को लगता कि मैंने इसका कच्चा चुराया। लगता क्या है, चुराया तूने? वो छेद वाला कच्चा? हाँ। अरे उसका तो मैंने पोछा बना दिया। क्या और क्या, पिछले एक साल से तुम पहन के घूम रहे थे, बना दिया पोछा। देखा सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, इसका फटा हुआ कच्चा मैंने नहीं पहना है, उसका तो मालती जी ने पोछा बना दिया। लोकेश जी क्यों पहनेंगे, इनके पास तो ऑलरेडी 2 मरून कच्चे हैं और एक डिजाइनर फ्रेंची भी है। क्या मालती जी, आज तो पूरे मोहल्ले के सामने मेरे कच्चों का डिजाइन कलर सब बता दिया। मालती जी आप भी ना सर, सर आप लोग जाइए, सॉरी सर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है, अगर दोबारा ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए 100 नंबर डायल किया ना, अंदर डाल दूंगा। हाँ सर, पुलिस को मजाक में रखा है। चल गौरी ये पकड़ो तुम अपना कच्चा। मालती तुझे कैसे पता ही लोकेट डिजाइनदार और फ्रेंची पहनता है? उसी तरह जिस तरह पूरे मोहल्ले की औरतों को पता है कि तुम फटा कच्चा पहनते हो। मालती चुप हो जा। लोकेश साले का मुझे तो छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे, मेरी भी तो अपना कच्चा दिखा रही, कच्चे बहुत देखता ना।